చల్లబడ్డాను. अगर ये आज मर भी गया तो मैं समझूंगी कि इसमें मेरी ख्वाहिश पूरी करने की ताकत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म सरकारू वारी पाता के फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, पिछले हफ्ते की रिलीज हुई डॉक्टर स्ट्रेंज के शुरुआती 7 दिनों के कलेक्शन के बारे में और रणवीर सिंह की फिल्म जयेश भाई जोरदार के एडवांस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे इस साल के सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF चैप्टर 2 के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि इन सभी फिल्मों में आपके पसंद की फिल्म कौन सी है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें हॉलीवुड की फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए आज एक हफ्ता यानी कि 7 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों इस फिल्म को हिंदुस्तान में हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, इंग्लिश टोटल 6 भाषाओं में रिलीज किया था और फिल्म ने रिलीज होते ही अपने वीकेंड यानी कि शुरुआती 3 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन किया था 79,50,00,000 रुपए। वही इस फिल्म के चौथे दिन के इंडिया नेट कलेक्शन 7,50,00,000 रुपए के रहे, 5वें दिन 6,10,00,000 रुपए, वही 6ठे दिन 5,50,00,000 रुपए, यानी कि 6 दिनों में डॉक्टर स्ट्रेंज इंडिया नेट कलेक्शन कर चुकी थी 98,06,00,000 रुपए का। वही दोस्तों ये फिल्म 7वें दिन इंडिया नेट कलेक्शन 6 की 6 भाषाओं से लगभग 4 करोड़ का कर रही है, यानी कि शुरुआती 7 दिनों में डॉक्टर स्ट्रेंज का इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 102 करोड़ रुपए हो रहा है, वही इंडिया का ग्रोस कलेक्शन 130 करोड़ रुपए। बता दो दोस्तों डॉक्टर स्ट्रेंज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो चुकी है। वही दोस्तों बात करें एनर्जेटिक स्टार रणवीर सिंह की फिल्म जयेश भाई जोरदार के बारे में जो रिलीज होने जा रही है कल, और इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है वो पूरे देश में अच्छे से चालू हो चुकी है। और दोस्तों इस फिल्म को एडवांस बुकिंग में उतना अच्छा रिस्पॉन्स तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी फिल्म ने एडवांस बुकिंग से एक डिसेंट कलेक्शन कर लिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जयेश भाई जोरदार को सिर्फ मुंबई से अभी तक 41 लाख रुपए की बुकिंग मिल चुकी है, दिल्ली एनसीआर से 26 लाख रुपए, पुणे से 7 लाख रुपए, बेंगलुरु 2 लाख रुपए, हैदराबाद 9 लाख रुपए, कलकत्ता 5 लाख, अहमदाबाद 11 लाख, चेन्नई 4 लाख, सूरत 5 लाख, वही जयपुर से 4 लाख रुपए। हालांकि बात की जाए ऑल इंडिया बुकिंग के बारे में तो जयेश भाई जोरदार की ऑल इंडिया एडवांस बुकिंग 1,90,00,000 रुपए की हो चुकी है। दोस्तों ये फिल्म कल कम से कम 2500 स्क्रीन में रिलीज होगी ऑल इंडिया, तो उम्मीद लगाई जा रही है कि फिल्म का जो फर्स्ट डे कलेक्शन है वो किसी भी हालत में शायद 7-8 करोड़ रुपए तक जा सकता है। हालांकि फिल्म को अच्छे रिव्यूज मिले तो फिल्म इवनिंग और नाइट के शोज में एक बूस्ट पकड़ सकती है, लेकिन अगर फिल्म को नेगेटिव रिव्यूज मिले तो शायद हमारी उम्मीदों से भी कम इस फिल्म का फर्स्ट डे कलेक्शन हो सकता है। वही दोस्तों बात करें सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म सरकार वारी पाता के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किया है परशुराम पेटला ने और इस फिल्म में हमें महेश बाबू के साथ देखने को मिल रही है कीर्ति सुरेश। बताना चाहूंगा दोस्तों फिल्म को एडवांस बुकिंग काफी शानदार मिली थी और फिल्म ने एडवांस बुकिंग में ही 19 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली थी, लेकिन दोस्तों यहां पर फिल्म के जो आज सुबह शो चालू हुए तो मॉर्निंग वाले शो में फिल्म की ऑक्यूपेंसी कहीं पे 90% थी, कहीं पे 95% और कहीं कहीं जगह पर तो फिल्म पूरी तरह से हाउसफुल थी। हालांकि फिल्म के पहले दूसरे शोज में काफी अच्छा रिस्पॉन्स था, लेकिन दोस्तों जैसे ही फिल्म के पब्लिक रिव्यू बाहर आए वैसे ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम से गिर गई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म सरकारू वारी पाता के जो रिव्यूज है वो मिक्स टू नेगेटिव है, मतलब कि उनके फैंस को फिल्म पसंद आई है, बाकी जो नॉर्मल जनता है उन लोगों को ये फिल्म उतनी खास नहीं लगी। बहुत सारे लोगों का तो कहना है कि फिल्म में इतने क्रिंज सीन है जिसकी वजह से यह फिल्म कई जगह पर पकाने लग जाती है। तो दोस्तों आज सुबह जब फिल्म की ओपनिंग हुई थी तो लग रहा था कि यह फिल्म पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करेगी, लेकिन जैसे ही फिल्म के रिव्यूज आउट हुए उसके बाद फिल्म की इवनिंग और नाइट की जो बुकिंग है वो पूरी तरह से डल हो चुकी है, जिसे देखते हुए लग रहा है कि अब भैया महेश बाबू पहले दिन शायद ही कोई रिकॉर्ड तोड़ पाए। हालांकि बात करें फिल्म के अर्ली एस्टिमेट फर्स्ट डे कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों जो डाटा अभी तक आया है और जो रिपोर्ट अभी तक मिली है उस
जिसके हिसाब से सरकारू वारी पाता अपने पहले दिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना यानी कि तेलुगु स्पीकिंग स्टेट से पहले दिन ग्रोस कलेक्शन कर रही है लगभग 40 करोड़ रुपए। वही इस फिल्म का रेस्ट ऑफ इंडिया यानी कि जैसे कर्नाटका हो गया, नॉर्थ इंडिया हो गया, तमिलनाडु हो गया, मतलब कि तेलुगु स्टेट के बाहर जहाँ जहाँ ये फिल्म रिलीज हुई है वहाँ से पहले दिन का ग्रोस कलेक्शन लगभग 6 से 7 करोड़ हो रहा है। यानी कि सरकारू वारी पाता का जो फर्स्ट डे ग्रोस कलेक्शन है वो लगभग 47 करोड़ के रेंज में ऑल इंडिया से हो रहा है। वही दोस्तों ये फिल्म ओवरसीज मार्केट में पहले दिन ग्रोस कलेक्शन कर रही है लगभग 13 करोड़ के रेंज में। यानी कि सरकारू वारी पाता का जो फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन है वो हो रहा है लगभग 60 करोड़ का। अब आपको बता दूं दोस्तों ग्रोस और नेट में बहुत फर्क होता है और साउथ की फिल्में ज्यादातर पहले दिन का कलेक्शन ग्रोस में बताती है। यहां पर अगर सरकारू वारी पाता पहले दिन 60 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन कर भी जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि फिल्म के जो वर्ल्ड वाइड थिएट्रिकल राइट्स है वो बिके हैं 120 करोड़ रुपए से भी ज्यादा में और फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए मिनिमम शेयर कलेक्शन 130 करोड़ का करना होगा और 130 करोड़ का शेयर कलेक्शन करने के लिए फिल्म को ग्रोस कलेक्शन कम से कम 180 या 190 करोड़ का करना होगा। तो अब फिल्म को ओपनिंग तो अच्छी मिली है, देखते हैं ये फिल्म हिट हो पाती है या नहीं। दोस्तों अब अगर बात करें इस साल के सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF चैप्टर 2 के टोटल कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनी KGF चैप्टर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर आज 4 हफ्ते कंप्लीट कर दिए। जी हाँ दोस्तों, देखते देखते समय का पता ही नहीं चला कि KGF चैप्टर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर 4 हफ्ते कर लिए और 4 हफ्तों में फिल्म के जो कलेक्शन है वो 2022 के सबसे ज्यादा कलेक्शन भी हो चुके हैं। हालांकि फिल्म ने सभी भाषाओं में अच्छी खासी कमाई की लेकिन फिल्म के जो हिंदी कलेक्शन है उसने तो सबको हैरान कर दिया। लेकिन दोस्तों बात कर ली जाए कि अभी तक KGF चैप्टर 2 ने सभी भाषाओं से कितनी कमाई की तो सबसे पहले जानते हैं फिल्म के हिंदी कलेक्शन। तो KGF चैप्टर 2 ने अपने पहले हफ्ते में, जबकि फिल्म का पहला हफ्ता 8 दिनों का था, फिल्म ने पहले हफ्ते में हिंदी नेट कलेक्शन 268 करोड़ 12 लाख रुपए का किया था। वही दूसरे हफ्ते में हिंदी नेट कलेक्शन 80 करोड़ 16 लाख रुपए रहा था और तीसरे हफ्ते में हिंदी नेट कलेक्शन 49 करोड़ 57 लाख रुपए का आया था। वही दोस्तों फिल्म ने चौथे हफ्ते में हिंदी नेट कलेक्शन किया लगभग 22 करोड़ का। इसी के साथ शुरुआती 4 हफ्तों में KGF चैप्टर 2 का जो हिंदी नेट कलेक्शन है वो हो चुका था 420 करोड़ रुपए। हालांकि अब बात करें पांचों भाषाओं के टोटल कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों KGF चैप्टर 2 ने पहले हफ्ते में पांचों भाषाओं से वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 717 करोड़ का किया था। दूसरे हफ्ते में फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 262 करोड़ रहा और तीसरे हफ्ते में 137 करोड़ रुपए। वही दोस्तों चौथे हफ्ते में फिर फिल्म ने पांचों भाषाओं से वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 62 करोड़ का कर लिया था। इसी के साथ दोस्तों KGF चैप्टर 2 का शुरुआती 4 हफ्तों के अंदर वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन पांचों भाषाओं से हो चुका था 1178 करोड़ रुपए। वही दोस्तों ये फिल्म आज भी वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन लगभग 5 करोड़ का कर सकती है। यानी कि दोस्तों आज KGF चैप्टर 2 का जो टोटल कलेक्शन है पांचों भाषाओं का वो हो जाएगा लगभग 1183 करोड़ रुपए। अब फिल्म को 1200 करोड़ क्लब में एंट्री लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ 17 करोड़ रुपए और कमाना है। तो लग रहा है कि भैया एक हफ्ते के अंदर शायद ये फिल्म 17 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन और कर गई तो फिल्म का टोटल कलेक्शन 1200 करोड़ का हो जाएगा। बता दो दोस्तों KGF चैप्टर 2 बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी, मतलब कि बहुत ज्यादा बड़ी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है।